लालकुआ कोतवाली पुलिस द्वारा पकड़ी गई शराब को आज देर शाम गठित कमेटी की देखरेख में नष्ट करने का काम शुरू पुलिस ने कर दिया है। इस कार्यवाही में पुलिस ने 125 मुकदमे की देशी व कच्ची शराब को नष्ट किया। बताते चले कि न्यायालय से मिली मंजूरी के बाद पुलिस क्षेत्र अधिकारी बलजीत सिंह भाकुनी, आबकारी इंस्पेक्टर महेंद्र बिष्ट व तहसीलदार नीतीश डांगर, कोतवाल सुधीर कुमार की संयुक्त टीम की देखरेख में पुलिस द्वारा पकड़ी गई देशी और कच्ची शराब को नष्ट किया गया है। वहीं कोतवाली परिसर में शुरू की गई कार्यवाही के दौरान जो शराब शीशे के पौवे में थी उन्हें पुलिस कर्मियों द्वारा ढक्कन तोड़कर नाली में डाला गया, जबकि पॉलिथीन में बंद कच्ची शराब को भी नष्ट करने की तैयारी चल रही है। दो तीन साल में जो भी शराब के केस हमारे द्वारा पकड़े गए हैं करीब ये 125 60 एक्साइज एक्ट के मामले हैं जिनके माल को हम आज निस्तारण कर रहे हैं। इनका केवल नमूना लिया जाएगा, बाकी माल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और जब कोर्ट के समक्ष इसका नमूना ही रखा जाएगा जिससे माल रखने में आसानी होती है। इसके अलावा 25 आर्म्स एक्ट के चाकू हैं 3-4 और जुआ अधिनियम के 2-3 माल हैं उनको भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। मौके पर क्या कहते हैं तहसीलदार मौजूद है और APO हैं और एक्साइज विभाग के जो एक्साइज इंस्पेक्टर मौजूद हैं। ये एक कमेटी बनाई गई है जो माल डिस्ट्रॉय करती है, वो उस कमेटी के सभी सदस्य मौजूद हैं। देखिए वाहन निस्तारण की एक लंबी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत हमारे यहाँ काफ़ी सारे वाहन पकड़े गए हैं। वाहन पकड़े जाने के बाद हम मूल मालिकों को नोटिस देना होता है, अगर वो नोटिस तामील नहीं करते हैं तभी हम उनके वाहनों का निस्तारण करते हैं। कुछ वाहन मुकदमे से संबंधित हैं और मुकदमे का निस्तारण ना होने के कारण उनका डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है। आने वाले समय में हम ऐसे वाहनों का भी निस्तारण करेंगे और करने का प्रयास करेंगे।